हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। यहाँ पीछे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि पिछले क्लास में आपका ये होमवर्क था। अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें क्लास इलेवेंथ का जो टर्म है, एक टॉपिक, एक यूनिट काइनेमेटिक्स, उसके अंदर एक जो चैप्टर है जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का जो ये सवाल है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ इतना इन द थर्ड सेकेंड, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे सोचिए कि कोई पार्टिकल ए से चलना शुरू किया, एक सेकंड में पहुंचा बी तक, दो सेकंड में पहुंचा सी तक और तीन सेकंड में पहुंचा डी तक। यदि हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तीन सेकंड में नहीं, तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया। ये यदि जानना है कि तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इस फेज को आप मानिए एस वन, इसको एस टू और इसको एस थ्री। तो ओनली थर्ड सेकंड में, तो यहाँ से यहाँ तक में टोटल में से इसको यदि घटा देंगे, मतलब ए डी में से ए सी घटा देंगे तो सिर्फ सी डी आएगा और जो सी डी है वो हमारा डिस्टेंस है इन थर्ड सेकंड। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड is equal to s बराबर s3 minus s2, s बराबर s3 minus s2। अब इस s बराबर s3 minus s2, तो यहाँ पे एस का फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई होगा, लेकिन यू का वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम लिखा हुआ है रेस्ट, तो यू का वैल्यू हम लोग जीरो बैठा देंगे। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी थ्री का स्क्वायर माइनस हाफ ए टी टू का स्क्वायर। इसके बाद जो टी थ्री है, मतलब ठीक है, वहाँ पर हम लोग टाइम का जो वैल्यू है उसको थ्री सेकंड बैठाएंगे एक बार, और जहाँ टी टू है वहाँ दो सेकंड बैठाएंगे। तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी थ्री है, यहाँ पर थ्री का स्क्वायर हाफ ए टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, आप चाहें तो यहाँ से हाफ ए कॉमन ले लीजिए, नाइन माइनस फोर, एस इज इक्वल टू वन बाई टू ए इंटू फाइव, एस इज इक्वल टू वन बाई टू ए इंटू फाइव। अब यहाँ से जो ए का वैल्यू है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है फोर बाई थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वन बाई टू फोर बाई थ्री इंटू फाइव। फोर बाई थ्री इंटू फाइव कैसे आया, जो ए का वैल्यू है
वो हम लोग बैठा दिए, जैसा कि क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ए है 4/3। यहाँ से देखिए कैंसिल होने वाला जो टर्म है वो है ए, एस बराबर 5 × 2/3, एस बराबर 10/3 मीटर गिवेन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए 10/3 मीटर, दिस इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, टू बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg एंड बी ऑफ मास 3 kg, टू बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg एंड बी ऑफ मास 3 kg, ए ऑफ मास 1 kg एंड बी ऑफ मास 3 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट्स ऑफ 16 meter एंड 25 meter रिस्पेक्टिवली। आगे है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, दोनों के द्वारा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए जो टाइम वो लोग यूज करेगा वो कितना है। देखिए पहला ऑप्शन है 4/5, 5/4, 12/5, 5/12, इस क्वेश्चन में आपको बनाने के देखिए दो तीन तरीके हैं। सबसे जो इजी तरीका है हम आपको वो बता रहे हैं, आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो इसी को कंटिन्यू कीजिए, और इसमें आप सबसे पहले फार्मूला अप्लाई कीजिएगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्चुअली जो फार्मूला हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू का जो वैल्यू है वो जीरो लेंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, किसी हाइट से इसको ड्रॉप किया जा रहा है, तो यदि किसी हाइट से दो अलग अलग बॉडीज को ड्रॉप किया जा रहा है तो देन उस कंडीशन में दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो कितना होगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यू जीरो बैठा दीजिएगा तो एस बराबर हाफ 80 स्क्वायर। इसके बाद हम लोग जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे तक गिरेगा तो उस समय उसका जो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए है वो जी के बराबर हो जाएगा। और इस ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग हाइट के रूप में मानेंगे, हाइट एच। तो ये एक फॉर्मूला कैसे चेंज करेगा, तो एच बराबर हाफ, जहाँ ए है वहाँ जी इंटू टी स्क्वायर। अब इसके बाद इसको ऊपर कर दीजिए, 2h बराबर जी टी स्क्वायर, 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। प्रोसेस को ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले एस बराबर जो हाफ 80 स्क्वायर आया वहाँ पर हम लोगों ने हाफ जी टी स्क्वायर लिखा। चेंज क्या किए ना, जो ए था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके जगह जी बैठा दिए, और जो डिस्टेंस एस था उसके जगह बैठा दिए एच। तो एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। अब उसके बाद ये जो टू है जो कि नीचे है उसको ऊपर कर दिए तो 2h बराबर जी टी स्क्वायर, एंड देन 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाय जी, टाइम टी इज इक्वल टू रूट अंडर 2h बाय जी। अब इसके बाद हम लोग को पूछा जा रहा है कि दोनों बॉल के द्वारा लिया गया जो टाइम है, टाइम टेकन बाय देम, दोनों के द्वारा जो टाइम लिया गया है, यहाँ से यदि टू और जी कांस्टेंट है तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच, क्योंकि टू और जी ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू रूट अंडर एच, तो टी बराबर के इंटू रूट अंडर एच, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बताता है, टी स्टैंड फॉर टाइम और रूट अंडर जो एच है वो आपको बता रहा है, अंडर रूट जो हाइट है एच यहाँ पर हाइट को बता रहा है। तो टी वन के रूट एच वन, के में के वन नहीं लगेगा कांस्टेंट है, और टी टू इज इक्वल टू के, इसमें के टू नहीं लगा दीजिएगा, रूट अंडर एच टू। तो टी वन बराबर के टू रूट एच वन बाय बराबर, मतलब नीचे टी टू बराबर के इंटू रूट एच टू। अब ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो टी वन बाय टी टू बराबर के रूट एच वन बाय के इंटू रूट एच टू। आप यदि चाहें यहाँ से आप डायरेक्ट रूट अंडर एच वन बाई रूट एच टू लिख सकते हैं, अदरवाइज इन दोनों को एक सिंगल फ्रेम के अंदर भी कंसिडर किया जा सकता है। तो सिंगल फ्रेम के अंदर यदि इसको कंसिडर किया जाएगा तो ये हो जाएगा टी वन बाई टी टू रूट अंडर एच वन बाई एच टू। अब आप देखिए कि यहाँ से जो एच वन और एच टू है वो क्या क्या दिया हुआ है।
एच वन और एच टू आपको 16 मीटर और 25 मीटर दिया हुआ है। देन टी वन बाय टी टू रूट अंडर 16/25। इजीली इसको और आगे बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट 4/5 लिख सकते हैं, अदरवाइज और भी 4 × 4/5 × 5 टी वन बाई टी टू 4/5। ऑप्शन में देखिए ये कहाँ है, 4/5 फर्स्ट ही वाला में है, ये 4/5, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। ये क्वेश्चन था 2006 का। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो कि 2005 में आया हुआ है। लिखा हुआ है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मान लीजिए कि किसी बॉल को यदि वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है तो जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि उससे पहले ही आधा पर जब पहुंचेगा तब उसका एक स्पीड दिया हुआ है, तो बताइए मैक्सिमम कितना हाइट होगा। देखिए 2005 का क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, 90 डिग्री पे सीधा सीधा ऊपर की ओर फेंका गया है। इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, व्हेन इट हैज रीच्ड वन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। हाउ हाई द बॉल विल राइज, हाउ हाई डज द बॉल राइज। देखिए इसका पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं और फिगर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस तो हमने लिखा ही नहीं, ऑप्शन पहले लिख देते हैं, आप अपने स्तर से भी इसको प्रयास कीजिए बनाने का। ऑप्शन है 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। दस मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। ओके, अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कि जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उस समय उसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन में हम लोग को हाइट कैलकुलेट करना है, तो यदि आपको हाइट कैलकुलेट करना है तो उससे पहले हम लोग ज़रा इसका फिगर बना लेते हैं। और फिगर कहने का सेंस है कि जैसे कोई बॉडी है या उसको हम लोग ऊपर साइड फेंके हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ से
एक बॉल को बिल्कुल वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है ऐसे करके, तो वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है सीधा सीधा ऊपर की ओर। और दिया हुआ है कि जब ऊपर की ओर इसको हम लोग वर्टिकली फेंके हैं तो उस समय इसका जो स्पीड है वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कब, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। मान लीजिए इसको यहाँ से फेंके हैं, ये मैक्सिमम यहाँ तक गया, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचा है तो उस कंडीशन में उस समय ये इसका मैक्सिमम हाइट है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही जब ये हाफ तक पहुँचा था, टोटल हाइट को हम लोग एच मान लीजिए, तो जब एच का आधा तक पहुँचा था, h/2 तक, उस समय इसका जो स्पीड था वो आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। आपको ये जानना है कि इसका मैक्सिमम ये बॉल कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो थर्ड इक्वेशन है, v² = u² + 2s। तो लिखेंगे, वी नो दैट v² = u² + 2as। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा और इसका साइन बदलेगा। साइन बदलने का सेंस यह है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जनरली काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हम लोग इस बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो लिखेंगे, a = -g, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन। तो जहाँ ए है वहाँ -g बैठाएंगे, और ये जो एस है उसके जगह बैठा देंगे एच। तो ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म कैसे होगा, तो v² u² - 2gh। अब ये -2gh कैसे आया, देखिए यहाँ 2 लिखते हैं आप, एक जगह -g लिखते हैं और s का जगह लिखते हैं h, तो उससे आ गया -2gh। एक और बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है उस समय उसका जो स्पीड है, उसका जो वेलोसिटी है, वो हो जाता है 0। कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचता है तो उस समय उसका जो स्पीड है वो हो जाता है 0। अब इसके बाद लिख देंगे कि एट मैक्सिमम हाइट द स्पीड एट मैक्सिमम हाइट द स्पीड या द वेलोसिटी द v = 0। तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे 0। अब है u², तो u² के जगह u का वैल्यू आपको स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से u की जगह हम लोग बैठा देंगे 10 - 2 × g, और h की जगह लिखेंगे h/2।
एच बाई टू यहाँ हाइट को बता रहा है। अब देखिए यहाँ से जीरो इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, टू से टू, टेन माइनस जी इंटू एच। अब देखिए यहाँ से ये आपको टेन का स्क्वायर है तो हंड्रेड हो जाएगा माइनस जी एच। अब जी और एच का जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे। और देखिए गिवन ऑप्शन में से जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को एच का वैल्यू निकालना है, तो माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू माइनस जी एच, ऐड नहीं था इसको सेपरेट करने के लिए बोल रहे थे, स्लिप ऑफ टंग, इसको ऐसे कर दीजिए प्लस हो जाएगा, तो हंड्रेड बाई जी इज इक्वल टू एच। अब इसके बाद अपने कन्वीनियंस के लिए जी का वैल्यू टेन बैठाइए, तो हंड्रेड बाई टेन इज इक्वल टू एच कट जाएगा, एच बराबर टेन मीटर। हाँ से ये आंसर हो जाएगा एच बराबर टेन मीटर। तो दिए हुए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही आंसर होगा। अब इसके आगे कुछ और भी प्रश्न हैं जो कि रिलेटेड है इक्वेशन ऑफ मोशन से, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मोशन इन वन डायमेंशन में, जो डिफरेंट टाइप के ग्राफ हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो थ्योरी पोर्शन है उसको अपने स्तर से एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे। अभी के क्लास में यही तक होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।